पूछना चाहते हैं कि रवि नाम कैसे पड़ा आपको? देखिए बात ऐसा कि हम लोग बिहारी हैं, ठीक है, हम लोग खाटी बिहारी हैं, और बिहार में क्या होता है कि पहले क्या होता था, अभी भी कभी कभी होता है कि जैसे कि सोमवार को अगर जन्म लिए तो सोमरा, मंगल को जन्म लिए तो मंगरा, बुध को जन्म ले लिए तो बुधना, ऐसे ऐसे करके नाम रखा जाता था। और उसी तरह से अगर शनिवार को जन्म ले लिए तो शनि, और उस दिन जो है रविवार था, इसीलिए मेरे पिताजी जो है रवि नाम दे दिए। ऐसा देखा जाता है सरकारी स्कूल में एक हाथ में स्लेट दूसरा हाथ में प्लेट का, आप इस प्रकार गए हैं कि आप अच्छा ड्रेस पहन के गए हैं? देखिए जब हम क्लास लेते हैं तो बच्चा लोग को जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो पहला वर्ड हम यही शुरू करते हैं कि मेरा नाम रवि कुमार सक्सेना है, और हम स्कूल में जो है हाथ में स्लेट और एक हाथ में प्लेट लेकर जाते थे। कोई झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। आपको कहने का मतलब ये है कि आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं लेकिन उसके बीच में भी आप इंजॉय किए हैं, क्लास छोड़कर घूमना और टिफिन में आकर खाना खाना फिर घूमना, मीन्स ये काम आप किए हैं जो नॉर्मल लोग करते हैं, जो बिगड़े हुए बच्चे करते हैं, आप ये काम किए हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर अगर हम बोल दें कि हम जब सती सावित्री थे, मतलब कि पूरा सीधा साधा बंदा थे, तो ऐसा नहीं थे, ठीक है, तो हम भी बनवासी करते थे, हम भी मतलब कि क्योंकि बिहारी है, बिहारी का गुण होता है, अगर ये नहीं रहेगा तो मतलब बिहारी कहला ही नहीं सकते थे। तो एक और प्रश्न इसी से आपको जुड़ा पूछ रहे थे, कोई ऐसा फेवरेट टीचर के बारे में बताइए जो थोड़ा सा मजाकिए थे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो हम लोग के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाने के लिए आए थे मैम, और बहुत सुंदर थे वो। फिलहाल आप जिम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर हैं, तो यहाँ का किस प्रकार सिचुएशन है और किस प्रकार आपको यहाँ मन लग रहा है, किस प्रकार यहाँ कुछ बात बता सकते हैं? देखिए सबसे पहले हम जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये एक ऐसा कॉलेज है कि हमें यहाँ फैमिली की तरह महसूस होता है, मतलब हमको यहाँ कभी महसूस ही नहीं होता कि हम यहाँ काम कर रहे हैं। समय अर्थात जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप लेक्चर आते समय कोई ऐसा कोई फनी किस्सा है जो आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? फनी किस्सा के का, देखिए फनी किस्सा की बात किया जाए तो जब हम मतलब शुरुआत में आए थे तो हम मतलब बियर्ड को नहीं रखते थे, मतलब पूरा क्लीन शेव रखते थे, दाढ़ी नहीं रखते थे। तो गार्ड साहब एक दिन हमसे पूछ दिए कि बाबू फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं कि सेकंड ईयर में आपको हमको तो हम बोले कि देखिए हम जो है न्यू एडमिशन लेने के लिए आए हैं, देखिए हम मतलब दूसरा कॉलेज में पढ़ते थे तो हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए आए हैं, तो बेटर रहेगा कि आप जो है किस तरह से उसका नाम जो है नंबर वन क्लासेस आया ये आप ही बता देंगे तो अच्छा रहेगा। इसका कहानी भी बहुत ही फनी है, और ऐसे बैठे हुए थे तो फिल्म चल रहा था देख रहे थे कुल्ली नंबर वन, गोविंदा का फिल्म है कुल्ली नंबर वन, तो उसमें जो पंडित जी का एक रोल किया था तो वो हमेशा कुल्ली नंबर वन को नंबर वन हमेशा बोलता था, नंबर वन इधर आ, नंबर वन इधर जा, नंबर वन, तो इस प्रकार नंबर वन करते करते हमारे अंदर आ गया अरे नंबर वन क्लासेस क्यों ना रखते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं स्टूडेंट को। देखिए हम स्टूडेंट्स को यही मोटिवेट करना चाहते हैं कि समस्या को समस्या समझना ही सबसे बड़ी समस्या है,